निर्मला सुबह से ही तैयारियों में लगी थी। गणेश चतुर्थी है, गणेश जी बिठाने हैं। साफ कपड़ा बिछाकर रुई से ढक दिया, उस पर चमक छिटक दी। अब रंग बिरंगी लड़ियां लगानी है। इतनी तैयारियां करनी है, इतना सारा काम है, पता नहीं कौन मदद के लिए क्यों नहीं आता। अरे बहू तो ठीक है, पोता भी न जाने कहां व्यस्त रहता है। नास्तिक कहीं के, नास्तिक कहीं के, नास्तिक कहीं के। मन ही मन निर्मला बड़बड़ाती जा रही थी। सारी तैयारियां करने के बाद निर्मला ने गणेश जी को आसन पर बिठाया और आरती की तैयारी करने लगी। मन में गुस्से के साथ साथ एक द्वंद्व चल रहा था। आरती गाते वक्त भी वो सहज नहीं हो पाई। तभी पोता मनु पढ़ाई छोड़कर निर्मला के पास आया और बोला, दादी आरती गलत गा रही हो। मनु की बात सुनकर मानो वो तंद्रा से जाग पड़ी। जो ही गौर किया तो खुद से ही शर्मसार हो गई। नास्तिक होने के मायने अब बदल चुके थे। दोस्तों, आप सुन रहे थे विनीता मोटलानी जी की लिखी लघु कथा नास्तिक। यूं तो नास्तिक और आस्तिक के ऊपर कई बार बहस छिड़ी है हमारे देश में, पर आध्यात्मिक तौर पर इसके सही मायने सिर्फ इतने से हैं कि आस्तिक वो जो भगवान को न केवल मानता है बल्कि जानता भी है, भगवान को भी मानता है और भगवान की भी मानता है, जैसे पांडव। और नास्तिक वो जो भगवान को शायद मानते तो हैं मगर जानते नहीं कि भगवान कौन है, कहां रहता है, कब आता है, क्या करता है और उसका सत्य स्वरूप और रूप और नाम क्या है। ये भगवान को मानते तो हैं मगर भगवान की मानते नहीं है। अब जो मैंने बात कही है इस पर भी बहुत बड़ी बहस छिड़ सकती है, क्योंकि ईश्वर अगर एक है तो उस एक का नाम क्या होना चाहिए, ये जरा सोचने की बात है। जरूर है, जरूर है, बिना नाम रूप देश काल के तो हम किसी से भी रिश्ता और संबंध नहीं जोड़ते हैं, और उससे जिसे हम परमपिता परमात्मा कहते हैं उससे तो हमारा अटूट नाता है। हर आत्मा का पिता वो है, हर रूह का वालिद वही है, हर सोल का फादर वही है ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान, जिसके लिए हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिताश्च त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याच द्रवणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, जिसको हम अपना संसार भी मानते हैं और उस रास्ते पर चलते भी हैं। इसमें बड़ा फर्क है, क्योंकि जुबान से गाना और दिल से रिश्ता निभाना दोनों अलग अलग बातें हैं, जैसा कि इस कहानी में हो रहा था, है ना। तो नास्तिक और आस्तिक कुछ मन में आए तो कह दीजिए। बाकी लघु कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। विनीता मोटलानी जी के लिए भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो संदेश जरूर लिखिएगा। अगले पड़ाव पर नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।